ऑल इंडिया से मैं हूं शेफाली पांडे और आज हम हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर करने के लिए एक रियलिटी चेक। दोस्तों, कोरोना महामारी के इस दौर में जहां पूरी दिल्ली उसकी चपेट में आ गई है, आइए करते हैं एक रियलिटी चेक और जानते हैं कि मरीजों को करना पड़ रहा है अस्पताल में किन दिक्कतों का सामना, अस्पताल प्रशासन की क्या है तैयारियाँ मरीजों की इस भारी भीड़ से निपटने की, और नॉन कोविड पेशेंट्स को क्या किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है अस्पताल प्रशासन की तरफ से। आइए बात करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से और जानते हैं उनकी राय इस मामले में। अरे भागिए, आप इधर तो आइए। आप यहाँ पे डेली रेडी लगाते हैं अपनी? क्या लगाते हैं? डेली आप यहाँ पे अपना बिजनेस डेली लगाते हैं? आज आपका साथी बिना मास्क के खड़ा था, आप कुछ कह नहीं रहे? मेरे को पता ही नहीं था, वो चाय पीती ना। तो हम लोग तो कब से देख के आ रहे थे वो बिना। तो मैडम हमको थोड़ी ना पता था आप खड़े थे सामने। अरे तो हमको दिखाने के लिए मास्क लगाएंगे कि अपनी सेफ्टी के लिए लगाएंगे? चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। तो भागे क्यों अगर चाय पी रहे थे तो? पता नहीं, मास्क हम आपको दिखाने के लिए नहीं है, आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है ना मास्क। आप बिना मास्क के खड़े हैं। बना रहे हो सबको खिला रहे हैं, भगवान ना करे कोई दिक्कत हुई तो पता नहीं कितने लोग लपेटे में आएंगे। ठीक है ठीक, अब नहीं करेंगे। सैनिटाइजर है आपके पास? सैनिटाइजर है। कहाँ है सैनिटाइजर, दिखाइए। दुकान पे ही है। यहाँ क्यों नहीं है सैनिटाइजर? अरे सर अब ये सिगई जाके दुकान क्यों? अब आप बना रहे हैं खाना, सब आपके हाथ का खाएंगे। दूसरों के लिए रख लेंगे, अब यहाँ रख लेंगे। आप यूज करते हैं सैनिटाइजर? एक सेकंड भैया, आपका मास्क कहाँ है? जेब में। जेब में क्यों है मास्क? तो फेस पे लगाना है। निकल जाता ना। तो जब खाइएगा तब निकालिएगा, आपको भी खतरा है, आप हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, कोविड का टाइम है, आप मास्क आपको लगा के रखना चाहिए ना। ठीक है मैम। सैनिटाइजर है आपके पास? हाँ जी। कहाँ है? दुकान पे। आपके पास नहीं है? दुकान हमारी यही तो पास में। कैसी है अम्मा? क्या बेटा, लॉकडाउन में क्या करूँ, नहीं काम। मास्क क्यों नहीं लगाया था आपने? तो लगाया था। नहीं, हमने देखा आपका मास्क उतरा हुआ आया था, ग्राहक आया था। तो ग्राहक आया था तब तो आपको और मास्क लगाना चाहिए। लगाता है बेटा, वही में मुँह में रहता है। सैनिटाइजर रखी है आप? कहाँ है? आप लागे दे रहे हैं कि उनके पास? नहीं, मेरे बेटा लगाती है सैनिटाइजर। हाँ हाँ लगाता बेटा, लगाता है। कहाँ से आए आप? प्रेमनगर किराड़ी। क्या दिक्कत है आपको? हाथ में चोट लगी हुई है, कट गया। आपके हिसाब से आपको यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हॉस्पिटल में? नहीं, कोई थोड़ी लाइन वाइन की तो दिक्कत है और तो बाकी। वैसे कोई कोरोना पेशेंट्स के मुकाबले नॉन कोरोना पेशेंट्स को कोई तवज्जो कम मिल रही हो, उनकी सुविधाओं में कोई कमी हो, ऐसी किसी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ रहा है? नहीं। हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरीके से कोऑपरेटिव है मरीजों के साथ? ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा, जो उम्मीद करते हैं आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के सामने और आइए चलते हैं पराठे वाले भैया के पास और जानते हैं कि क्या वो सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं पूरी तरीके से कि नहीं कर रहे हैं। ये शॉप आपकी है? सारे सुरक्षा मानकों का आप पालन कर रहे हैं? आप सारे सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सैनिटाइजर है आपकी शॉप में? कहाँ है? ये तो खाली शीशी है। अच्छा, यूज करते हैं? हाँ, यूज करते हैं। हाँ, यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके हाथ के पराठे खा के आप हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि आपके पराठे दूसरे लोग खाएंगे, आपको दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान। हमारा परिवार, उनका परिवार, सबका एक ही जो हमारे पास आ रहा है उसको हम करेंगे। मास्क क्यों नहीं लगाया था? मैडम बात कर रहे हैं तो बात करने के लिए मास्क का उतारना कब से जरूरी होने लगा? मैडम अभी उतारे दो मिनट न हुआ। दो मिनट भी क्यों हुआ? आपको पता नहीं आप हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, दुनिया की बीमारी चल रही है इस टाइम पे? मेरे भी पता है कि बीमारी के चल रहा है, तभी इसलिए आप मास्क नीचे करके घूम रहे हैं? नहीं मैडम, अभी निकले पाँच मिनट नहीं हुआ। सैनिटाइजर है आपके पास? नहीं, मैं तो आया था मरीज लेके। हाँ तो मरीज लेके आए थे तो सैनिटाइजर नहीं लाएंगे साथ में? तो कहाँ है सैनिटाइजर? नहीं है मैडम। क्यों नहीं है? सैनिटाइजर होना चाहिए ना आपके, ड्यूटी जाए तो फोन आया। सैनिटाइजर तो जेब में होना चाहिए की सुरक्षा के लिए जरूरी है, आपके मरीजों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी। ड्यूटी गया था मैडम, बैग घर पे छोड़ दिया था। तो सैनिटाइजर तो हमेशा रखना चाहिए, सरकार का पालन है ना। मेरे को भी पता है मैडम। मास्क ऊपर करिए। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बाबू।
क्या नाम है आपका? नोजो दास। मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? ए, खाना खा रहे थे ना। कहाँ है खाना? अभी फेंक दिए। खाना नहीं फेंक दिए खाना। सैनिटाइजर रखते हैं? हाँ। नहीं। क्यों नहीं रखते हैं? हम मेरे भाई नहीं। सैनिटाइजर रखना चाहिए, आप सरकारी सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? करेंगे, अभी ले लूंगा। आप हॉस्पिटल के सामने बैठे हैं, आपको अपनी सुरक्षा, और आप बेचते हैं सामान, दूसरों की सुरक्षा आपकी सुरक्षा, दोनों से लापरवाही कर रहे हैं। सही बात। मास्क तो ऊपर करिए। अभी खाना खा रहे थे, तो सैनिटाइजर भी रखा करिए ना, जरूरी है सैनिटाइजर रखना पास में। व्हाट्स योर नेम? शीतल। शीतल, आप यहीं पे अपना नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं? हाँ, यहीं पे कर। क्या मैंने मतलब मैनेजमेंट ने क्या तैयारियां कर रखी हैं कोविड पेशेंट्स और नॉन कोविड पेशेंट्स से निपटने के लिए? मतलब उन्हें ना हॉस्पिटल में प्रॉपर पीपीई प्रोवाइड होता है स्टाफ को, और मतलब है मैनेजमेंट है अच्छे से, उन्हें मास्क और पीपीई वगैरह प्रोवाइड होता है। आपका नाम क्या है? शैलजा। शैलजा, यहाँ पे स्टाफ तो लिमिटेड होगा, ऐसे में कोविड पेशेंट्स और नॉन कोविड पेशेंट्स दोनों को मैनेज कैसे किया जा रहा है? एक्चुअली जो कोविड पेशेंट्स हैं ना, उनके लिए यहाँ पे स्पेशलिटी बिल्डिंग है, ठीक है, और वो स्पेशलिटी बिल्डिंग अलग कर दी है फॉर कोविड पेशेंट्स ओनली। और वहाँ पे जो स्टाफ हैं, तो इन्होंने कुछ स्पेशलाइज स्टाफ सिर्फ कोविड के लिए रखे हैं, और बाकी अदरवाइज स्टाफ अदर बिल्डिंग्स में हैं। नॉन कोविड पेशेंट्स को किसी तरीके की दिक्कतें आ रही हैं स्टाफ की कमी के लिए, क्योंकि प्रायोरिटी तो आजकल कोविड पेशेंट्स को ही दी जा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैनेज हो जा रहा है? सर्विलेंस टीम कैसे मैनेज कर रही है? सर्विलेंस होता है यहाँ पे रेगुलर, वैसे प्रॉपर है या नहीं है मुझे इसका आइडिया नहीं है, बिकॉज अभी हमारे ओके आपको यहाँ का आइडिया नहीं है। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे हम, क्या दिक्कत हो गई अंकल जी को? आ दिक्कत हो गए, सकाई भए कुली चमड़ा वो डर गए, आ मॉल हो गई बा, खाना पीना कुछ नहीं खाएगा। आपको किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अस्पताल प्रशासन के में? अच्छे दिए नहीं। कोई दिक्कतें आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं? हाँ। कैसी दिक्कतें? वह दिक्कत है बोला ना हो। क्या दिक्कत है अंकल आपको? हमारा तो पानी जब पेट जा रहा है एकदम, पानी ऐसा हो रहा है। आपको अस्पताल में किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत? सांसद की तरफ से तो नहीं है अभी। अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं है आपको अस्पताल प्रशासन की तरफ से? ना। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है अस्पताल में? इलाज नहीं हो रहा है। इलाज नहीं हो रहा है यहाँ पे आपका? ना। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोलते हैं कि कोरोना लगा है अभी। क्या कह रहे हैं? कोरोना है। तो डॉक्टर्स ने आपको एडमिट करने से मना कर दिया है? हाँ। क्या नाम है आपका? कृपा देवी। क्या दिक्कत है आपको? लड़का का नाक में मांस बढ़ गया है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बिहार से। आप यहाँ बिहार से आई हैं इलाज करवाने के लिए? हाँ। कब से चल रहा है इलाज? 2 महीने से। दो? आपको यहाँ पे अस्पताल प्रशासन की तरफ से किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? रोड पे रह रहे हैं, अंदर एडमिट नहीं कर रहे हैं? नहीं, 2022 की डेट दे रहा है ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वो बता रहा है कि 2022 में डेट मिलेगी। पर ये तो मेरे ख्याल से एक माइनर ऑपरेशन होता है, इसके लिए भी डॉक्टर इस तरीके से आनाकानी कर रहे हैं यहाँ पे? 2022 की डेट दिया कल, वो बता रहा 2022 से पहले नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना महामारी के चलते इस युग में भी डॉक्टरों की अपनी मनमानी और अपनी लापरवाही चल रही है। बिहार से आए एक पेशेंट को 2022 की डेट दी गई है ऑपरेशन के लिए। कहाँ से आए हैं? झारखंड से आए। झारखंड से आए? हाँ। क्या दिक्कत है आप? हम लोग कीमो लगाया है। कीमो? कीमोथेरेपी चल रही है आपकी? हाँ। अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कतें जो आपको से देखनी पड़ रही हैं? हाँ। कैसी दिक्कतें? दिक्कत है मतलब कीमो लगता है और फोड़ा फोड़ा सब निकल गया है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराने में भी कोई दिक्कत आपको देखनी पड़ रही है क्या? हाँ। आइए बात करते हैं यहाँ बैठे इन मरीजों से और जानते हैं इनको क्या है दिक्कत और किन दिक्कतों का प्रशासन की तरफ से करना पड़ रहा है इनको सामना। नमस्ते अंकल। हाँ। क्या नाम है आपका? रविंदर राय। कहाँ से आए हैं? बिहार से।
बिहार छपरा से आप आए हैं, क्या दिक्कत है? कैंसर वाले हैं, मैं सर्जरी हुआ है, मैं रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो आपके वाइफ की कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और रहने की दिक्कत है यहाँ पे, अस्पताल एडमिट नहीं कर रहा है सर्जरी के बाद भी आपको? अच्छा, तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जाने में या किसी और तरीके की कोई दिक्कतें जो आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है? ना, वही रहने के लिए दिक्कत है। रहने की आपको दिक्कत है? हाँ। इलाज में कोई कमी? ना, इलाज में कमी नहीं है। डॉक्टरों का रवैया कैसा है? ना, ठीक है। क्या डॉक्टर कोऑपरेटिव है यहाँ पे? है? डॉक्टर सहयोग कर रहे हैं पूरी तरीके से आपको इलाज? सहयोग कर रहा है। डॉक्टर सहयोग नहीं कर रहे? आ रहा है और कुछ ओढ़ना बिछाना कमर उमर ना देता है बोलता है। तो आप कब बुलाया है डॉक्टर ने आपको? आप बुलाया है धरे के मैं 5 तारीख को बुलाया है। इसी 5 तारीख को बुलाया है? हाँ, क्या कहना है डॉक्टर का? है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं कि 5 तारीख के आइए, फिर में चेक होगा। हाँ, अच्छा, टाका कटवाने के लिए आपको 5 तारीख को बुला रहे हैं। हाँ, चलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैंसर पेशेंट है, ऑपरेशन हुआ है, बिहार से आए हुए हैं, लेकिन ना रहने की कोई जगह है, ना कोई किसी चीज़ की व्यवस्था, और इस तरीके से इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं कुछ और मरीजों से और जानते हैं कि उनको किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। कुछ भी नहीं हुआ। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है यहाँ पे? रहने की दिक्कत है और सब कुछ का दिक्कत है यहाँ तो। क्या कहना है डॉक्टर? मेरे हाथ में तो ये हुआ था ना, तो ये सब चोरी हो गई थी, तो दोबारा फिर वो क्या करके आई मैं, एक्सरे ओपीडी कागज बना के आई और दवा उस खरीदने के लिए पैसे उसे नहीं है, तो ये सब चोरी हो गई थी, तो हम कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे? अस्पताल कंपाउंड में ही चोरी भी हो गई आपके सामान? अरे सब कुछ है, सब कुछ है, फोन, पैसे, ओपीडी कागज, एक्सरे, सब कुछ, आधार कार्ड, कुछ सब कुछ चोरी हो गई यहाँ से। अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास में। अरे अभी पिछले साल भी आते हैं ऐसे बोल के चले जाते, कुछ हेल्प करेंगे आपको, ये करें वो करें, आपसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा आप लोगों से? मीडिया वाले से आप बोलते हैं हम लोग कि आपको क्या हुआ है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए, बताने के बाद भी कुछ नहीं होता था, क्या करेंगे आप? कहाँ से आए हैं? हम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हैं, 4 दिन लगते हैं जाने में। नाम क्या है आप? सीमा। तो ये है दिक्कत सीमा जी की, जो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आई इलाज के लिए, और बदले में इनके साथ होता है एक हादसा, इनका सारा सामान अस्पताल कंपाउंड में चुरा लिया जाता है इलाज के नाम पर। ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को, चोरी हो गई, पैसे चोरी हो गए, फ़ोन चोरी हो गया, यहाँ तक कि एक्सरे और आधार कार्ड तक भी चोरी हो गया है सीमा जी का। अभी 6-7 महीने से पहले शायद यूट्यूब में आया मेरा फोटो देखना, मैंने इतना बोला फिर भी आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। बोल रहे थे कि नहीं हम वहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक कि आपको ये सब कर देंगे, पर अभी तक किसी का फोटो नहीं आया। मैंने आपने हॉस्पिटल प्रशासन में कोई कंप्लेन की इस रिगार्डिंग? हॉस्पिटल में किसको बोलेंगे मैडम जी? कस्टमर सर्विस या रिसेप्शन या हेल्प डेस्क जो होते हैं, क्या आपने वहाँ पे कोई कंप्लेन की थी अपनी चोरी के लिए? नहीं नहीं, मैंने यहाँ ना वो हॉस्पिटल में नहीं करना होता है, थाने में करना होता है ना, थाने में करने के बाद बोले वहाँ यूसुफ। क्या कहना है पुलिस वालों का या SHO का थाने के? नहीं कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम क्या करेंगे, कौन ले गया, हमें क्या पता, कम से कम 5 बजे की चोरी हुई है, कम से कम कैमरे में तो आता है, वो भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर हम यहाँ पर पुलिस की भी लापरवाही का एक मामला देखने को मिल रहा है। एक मरीज जो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आई अपना इलाज कराने के लिए, उनका फोन, पैसा, यहाँ तक कि आधार कार्ड और एक्सरे रिपोर्ट भी चोरी हो गया। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद पुलिस वालों ने दिया रिप्लाई कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, चोरी होना था वो हो गया, ना CCTV फुटेज चेक की गई, ना ही इनको कोई मदद दी गई। कौन से थाने में आपने कंप्लेन की थी? यहाँ पे किया था, फिर यहाँ पे बोले कि हॉस्पिटल चली जाए, हॉस्पिटल नहीं गई मैं। हाँ, हॉस्पिटल जाने के लिए बोले थे पर हॉस्पिटल नहीं गई मैं। नाम क्या है आपका? साहिल। साहिल, ये जो लंच प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे बाहर पेशेंट्स को, ये आप करवा रहे हैं? मैंने जी जी जी। आप देख सकते हैं एक नेकी की एक और मिसाल, अस्पताल के सामने फ्री में मरीजों को प्रोवाइड कराया जा रहा है खाना। बात करते हैं साहिल जी से, किस किस के सहयोग से आप ये काम कर रहे हैं? पर्सनली फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो ये आपका अपना पर्सनल एक इनिशिएटिव है जो यहाँ पे आप मरीजों के लिए कर रहे हैं? जी जी जी। कितने दिन से कर रहे हैं आप ये?
अभी कुछ 4-5 दिन से दोबारा शुरू करा है। 4-5 अच्छा, जब से कोविड पेशेंट्स या नॉर्मल पेशेंट्स का आवागमन अस्पताल में बढ़ा है तब से आपने ये सर्विसेज स्टार्ट की है। जी 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 जी, थैंक यू सो मच साहिल जी हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं साहिल जी हमारे साथ हैं जो अपनी फैमिली के साथ मिलके यहाँ पे अस्पताल प्रशासन के लिए फ्री में, जो मरीज बाहर हैं उनके लिए फ्री में खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं बिना किसी आर्थिक सहायता लिए कहीं और से। कोरोना काल में जहां सरकार कड़े सुरक्षा नियमों का पालन करने को कह रही है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजर रखना, और आप यहां देख सकते हैं कि सुरक्षा मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और आइए देखते हैं इनमें से कितनों के पास सैनिटाइजर है और कितनों के पास सैनिटाइजर नहीं है। हेलो सर, आपके पास सैनिटाइजर है? जी है। यूज करते हैं आप सैनिटाइजर? जी जी जी। थैंक यू। आपका नाम? मनीष। सैनिटाइजर है आपके पास? हाँ। कहाँ है? अभी वो रख, वहाँ पे रुके हैं तो वहीं पे रखा है। यहाँ आप यहाँ पे आई थिंक खाना लेने के लिए लाइन में लगे हैं? हाँ। तब भी आपने सैनिटाइजर नहीं रख रखा? अभी यहाँ खाने के लाले पड़े यहाँ बहुत, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आप खाना लेने के लिए हॉस्पिटल के बाहर आप खड़े हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, तब भी आपने सैनिटाइजर भी नहीं रखा है? भूखों मर जाए क्या करें, मतलब? सैनिटाइजर तो रख सकते हैं ना? सकते हैं, रखा है सैनिटाइजर। हाँ मत रखिए प्लीज, सैनिटाइजर अपने पास रखिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। नाम क्या है आपका? मेरा दुर्गा दत्त नाम है जी। कहाँ से आए आप? मैं आरकेपुरम से। आरकेपुरम नई दिल्ली से आए हैं आप, क्या दिक्कत थी अंकल? इसको ट्यूमर कैंसर है बच्चे को। कहाँ पर? बैकबोन में। बैकबोन का कैंसर है इनको, डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स का 2 बजे का टाइम है, 2 बजे का, 2 दिन में। आपको यहाँ पर किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही या सुविधाओं में कोई कमी? नहीं फिलहाल तो अभी तो कुछ नहीं है। कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना? तो फिलहाल नहीं है। कोविड पेशेंट्स की भरमार के चलते नॉन कोविड पेशेंट होने के नाते किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई लापरवाही, कोई अस्पताल प्रशासन की तरफ से कमी जो आपने महसूस की हो? कमी तो यही है मैम, क्या नाम, जो जिनकी आशंका रहती है अगर भाई इनको कोविड है, जो भी एडमिटेड पेशेंट है उनको ना पहले कोविड टेस्ट कराना चाहिए, उसके बाद एडमिट करना चाहिए। आपके हिसाब से यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, डायरेक्टली पेशेंट्स को एम्स में अंदर ले लिया जा रहा है? ये तो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रही है, ये कर रहे हैं स्क्रीनिंग। फिर क्या दिक्कत? दिक्कत तो वही है ना, जैसे केस वेस बढ़ते हैं तो इनको पहले टेस्ट करा के जब ही एडमिट करना चाहिए। तो ये पहले ही एडमिट कर ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट कराए जा रहे हैं, और अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं तो उनको अलग कर दे रहे हैं? राय है इस तरह की, अगर पहले वास्तव में ही टेस्ट पहले होना चाहिए, बाद में एडमिशन होना चाहिए। जी बिल्कुल, ध्यान रखिएगा और उम्मीद करते हैं आपका बच्चा जल्दी स्वस्थ होगा। थैंक यू। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं मरीज अपने तीमारदारों के साथ सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। कोरोना काल में सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के बाद भी ये अपनी जान खतरे में डालकर सड़कों पर रह रहे हैं। अस्पताल की इंतजामी का आलम ये कि किसी के हो रहे हैं पैसे चोरी तो किसी को नहीं मिल रही है ऑपरेशन की डेट। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है बाहर से आए मरीजों और उनके तीमारदारों के रहने के लिए किसी तरीके के रैन बसेरे या रहने के इंतजाम किए जाएं? इन्हीं सब सवालों के साथ आपसे लेती हूँ विदा, जुड़े रहिए हमारे साथ ताजे तरीन अपडेट्स के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे। धन्यवाद।